हाय, दिस इज शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैमर। पारस खल्नावत अपने गुड लुक्स, चार्मिंग स्माइल एंड स्वीटनेस की वजह से काफी फीमेल फैन फॉलोइंग रखते हैं, पर उनकी एक फैन ऐसी निकली जो उन्हें ही बदनाम करने निकल पड़ी और सोशल मीडिया पर पारस को और उनके नोन्स को मैसेजेस करने लगी कि वो उनके डीप सीक्रेट्स भी जानती है। पर हमेशा स्वीटनेस रखने वाले पारस इस लड़की से इतना इरिटेट हो गए थे कि उन्होंने उसके प्रोफाइल की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा था कि मैं ऐसा बोलने वाला वैसे तो कोई नहीं होता, पर क्या कभी तुमने अपनी आईने में शक्ल भी देखी है। पारस की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही अनजानी बातें और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम का टैटू का सीक्रेट, उनकी एजुकेशनल लाइफ से करियर के स्ट्रगल्स तक, सब कुछ मैं इस वीडियो के थ्रू आपको शेयर करूंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल मत भूलना। पारस खल्नावत का जन्म 9 नवंबर 1996 को भंडारा नागपुर के एक छोटे से गांव गणेशपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स भूषण खल्नावत, मां अनीता खल्नावत के अलावा एक एल्डर सिस्टर भी है। पारस के फादर वैसे तो नागपुर बेस्ड एक बिजनेसमैन थे, पर जब वो पारस की उम्र के थे तब वो भी एक एक्टर ही बनना चाहते थे, पर उनका वो सपना वो पूरा नहीं कर पाए। पारस में अपने फादर से ही एक्टिंग स्किल्स एंड पैशन इनहेरिट हुआ और वो अपने फादर के सपनों को सच करने में कामयाब भी रहे। पर अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली ही उनके फादर का हार्ट अटैक की वजह से डिमाइस हो गया। पारस उस टाइम अपने लेटेस्ट शो अनुपमा के सेट्स पर बिजी थे और वो अपने फादर से ना तो आखिरी बार मिल पाए और ना ही उनसे बात कर पाए। वैसे पारस अपनी माँ से हमेशा ही सबसे ज्यादा क्लोज रहे हैं और अपने फादर को प्राउड फील कराने का जुनून लेकर वो अपने हर काम में अब अपना बेस्ट दे रहे हैं। पर उनके मन में एक्टर बनने का सपना समझदार हो जाने के बाद नहीं आया था, बल्कि काफी छोटी उम्र से ही वो बस एक्टर ही बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग नागपुर के संस्कार विद्यासागर स्कूल से की और जब वो सेकंड स्टैंडर्ड में थे तब उनके स्कूल में एक किड्स इंटरव्यू हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था कि एक्टर। तब उनके स्कूल के सभी बड़े लोगों ने उन्हें कहा था कि बेटा एक्टर बनना, इंजीनियर बनना या पायलट बनना, और कोई उनको उस टाइम समझ नहीं पाया था। उन्हें तब स्कूल के काफी बच्चे बुली भी किया करते थे, कोई भी उन्हें आकर मार जाता था या फिर कोई धक्का देकर चला जाता था। ऐसे में एक दिन जब वो अपना रिटर्न वर्क कर रहे थे तो एक बच्चे ने उन्हें धक्का मार दिया, पर उस दिन वो डरे नहीं बल्कि जाकर उस ग्रुप को ही पीट आए और तभी से ही उन्हें सबने बुली करना छोड़ दिया। पारस ने फिफ्थ स्टैंडर्ड से स्कूल ड्रामा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। उस टाइम वो श्री कृष्ण जी बने थे और पहली बार उन्होंने मेकअप भी किया था। तभी से उनमें कॉन्फिडेंस भी बहुत था और उनका एक्टिंग की तरफ पैशन टाइम के साथ बढ़ता ही चला गया। उनके फ्रेंड्स को उनका डेडिकेशन एंड हार्डवर्क देखकर हमेशा से विश्वास था कि ये इस फील्ड में जरूर नाम कमाएगा। तब पारस भी अपनी लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हुआ करते थे और नागपुर के माहौता साइंस कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था, पर बाद में एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए वो मुंबई चले गए और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम में एस के सोमैया कॉलेज ऑफ मुंबई से कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू कंप्लीट की। 12th के जस्ट बाद मुंबई में उन्हें पहली बार एक लड़की पर क्रश हुआ था और वो पहली बार ही रिलेशनशिप में भी वहीं आए और जल्दी ही उनका वहीं पर ब्रेकअप भी हो गया। बचपन से ही पारस काफी नॉटी थे पर कभी क्लासेस बंक नहीं की, पर मुंबई आकर उन्हें एक्टिंग क्लासेस अटेंड करने के लिए कॉलेज बंक करना पड़ता था और वो काफी बार पकड़े गए तो काफी बार उन्हें थोड़ी बहुत टीचर से डांट भी खानी पड़ी। उनके पेरेंट्स उनके करियर को लेकर हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं, पर क्योंकि पारस काफी इमोशनल है वो छोटी छोटी बातों पर रो जाते हैं और वो खुद को रोतलू बुलाते हैं। तो बात तब की है जब वो एक्टिंग के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हुए। तब वो एक छोटे से फ्लैट में रहा करते थे और सुबह सुबह कॉलेज से ऑडिशन देने निकल जाते थे। उन्हें शॉर्ट लिस्ट तो कर दिया जाता था पर वो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। उन्हें फर्स्ट ऑडिशन ब्रेक रोडीज ऑडिशन का मिला था, जिसके लिए उन्हें मेट्रो स्टेशन से चूज किया गया था, पर वो ऑडिशन दूसरे ऑडिशन से काफी डिफरेंट था और लिमिटेड लोगों और एक रूम में ही वो ऑडिशन लिया गया था, पर इसमें वो रिजेक्ट कर दिए गए। खैर, रोजाना बैरी जॉन एक्टिंग क्लासेस अटेंड करके वर्कआउट क्लासेस जाना, फिर कभी वर्कआउट मिस करके टेरेंस लुइस सर की डांस क्लासेस जाना, ऐसे में उन्हें दिन भर में 18 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। पर वो ऑडिशंस रोज ही देते रहे, बट एक टाइम ऐसा आया जब उनके फादर का बिजनेस में काफी लॉस हुआ और पैसों की दिक्कत रहने लगी। तब पारस को समझ आने लगा कि जितना इजीली वो यहाँ एक्टिंग करियर बनाने की सोच लेकर आए थे वो सब इतना इजी नहीं था। यहाँ के स्ट्रगल झेलने के बाद उन्हें समझ आया कि लगातार हार्डवर्क करने पर ही लोग इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करवाते हैं। उसी बीच पारस ने कुछ टाइम ऑडिशन देना बंद कर दिया था और समझदार होने की वजह से अपने फादर से पैसे मांगना भी। फिर कुछ टाइम उन्होंने मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन की, जिसमें 2016 में वो पीपल्स चॉइस इलाइट मॉडल वॉक कंपटीशन के विनर भी रहे और बाद में वो मनीष मल्होत्रा के लिए लैक्मे फैशन वीक और साथ ही ऐसी ही कई बिग ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक्स भी कर चुके हैं।
पारस ने अपने करियर की स्टार्टिंग में बहुत रैंप वॉक्स की और बाद में उन्हें प्रिंट एड से अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिला। पारस अपने गुरु, अपने मेंटोर टेरेंस लुइस सर को मानते हैं, तब से जब से वो उनकी डांस क्लासेस में जाया करते थे। वो बताते हैं कि कोई भी एडवाइस देना हो या डायरेक्शन देना हो या ऑडिशन रिलेटेड सजेशन, टेरेंस सर ने हमेशा ही उनकी हेल्प की और उनकी नेवर लुक बैक की एडवाइस ही वो फॉलो करते आए हैं। पारस को उनकी लाइफ का फर्स्ट प्रिंट एड ब्रेक भी टेरेंस सर ने ही दिलवाया था, जो उनकी फर्स्ट जॉब थी जिसके लिए उन्हें 15,000 रुपए का पे चेक भी मिला था। काफी प्रिंट एड्स करने के बाद उन्हें पेप्सी एड मिला था जिसकी फर्स्ट सैलरी उन्होंने अपनी माँ को लाकर दी थी। फिर 2017 से उनके टीवी करियर की शुरुआत स्टार प्लस के शो मेरी दुर्गा से हुई, जिसमें उन्होंने संजय प्रिंस अहलावत का रोल निभाया था, जिसमें उनकी को एक्ट्रेस सृष्टि जैन बनी थी। बाद में वो मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव, ऐ जिंदगी, कौन है, लाल इश्क जैसे कई शोज में नजर आ चुके हैं। फिर 2019 से उन्होंने अपना डिजिटल मीडिया डेब्यू दिल तो है से किया, फिर वेब सीरीज इश्क आजकल और दिल तो है सीजन 3 में भी वो नजर आ चुके हैं। 2020 में आशी सिंह के साथ तेरे नाल नचना म्यूजिक वीडियो सॉन्ग उनका डेब्यू वीडियो सॉन्ग बना, पर आज अनुपमा शो ने उन्हें सही मायने में रिकॉग्निशन दिलाई है एंड होपफुली वो आगे भी कोई ना कोई लीड रोल ग्रैब जरूर कर लेंगे। इस शो पर उनके को स्टार्स के साथ उनकी रील्स हमेशा ही सोशल मीडिया पर वायरल रहती है और शो टीआरपी में नंबर 1 शो भी बना हुआ है। उनकी ऑन स्क्रीन माँ रूपाली गांगुली से वो ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। अब बात करें पारस की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की, तो वो एक्टर रणवीर कपूर, रणवीर सिंह के बहुत बड़े फैन है और एक्ट्रेस आलिया भट्ट उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है। अरिजीत सिंह उनके फेवरेट सिंगर है और ब्लैक, रेड एंड व्हाइट कलर्स उनके फेवरेट कलर्स हैं। अपने फ्री टाइम में उन्हें सिर्फ और सिर्फ मूवीज देखने का शौक है और सब प्यार से उन्हें पारू या स्पाइडरमैन बुलाते हैं। पारस की हाइट 6'2" है और वो शूज को लेकर इतने ऑब्सेस्ड है कि उनके पास 75 पेयर्स ऑफ शूज हैं। अपने करियर की स्टार्टिंग में वो एक्टर एंड डायरेक्टर अनीता पटेल के साथ कुछ असाइनमेंट्स में लाइन प्रोड्यूसर बतौर भी काम कर चुके हैं। पारस ने अपनी बैक पर वुल्फ टैटू बनवा रखा है और उन्हें 2019 में वेब सीरीज दिल है तो है के लिए डिजिटल डेब्यू ऑफ द ईयर का लाइक अवार्ड भी मिल चुका है। काफी लोग पारस का नाम उनके रीसेंट शो की को स्टार अनघा भोसले के साथ जोड़ते रहे हैं और रूमर्स थे कि दोनों ही सेट्स पर कपल जैसे ही टर्म्स भी रखते हैं, पर पारस ने रिवील किया कि अनघा बिल्कुल ही बच्चों जैसी है, इनफैक्ट बच्ची ही है, और वो उन्हें डेट नहीं कर रहे बल्कि दोनों एक म्यूजिक वीडियो अखा विच में भी साथ काम कर चुके हैं। लास्टली पारस मेरी दुर्गा में उनकी को स्टार रह चुकी उर्फी जावेद को डेट कर चुके हैं, पर कुछ टाइम डेट करने के बाद दोनों ही अलग हो गए और सोशल मीडिया पर काफी टाइम तक उनके राइट एंकल पर बने उर्फी नाम के टैटू की बहुत बातें होती रही, जिस पर सभी का मानना है कि उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड उर्फी के नाम का वो टैटू बनवाया है। तो ये थी पारस कलनावत की लाइफ से जुड़ी कुछ अनजानी बातें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।